हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ आलोक के इस मंच पर। मैं दिलीप तिवारी आज आपके साथ एलटी ग्रेड के बायोलॉजी सब्जेक्ट पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये परीक्षा यूपीपीएससी की तरफ से होता है, और जबकि सामान्य तौर पे जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होती हैं वो आपका चयन बोर्ड कराता है। अब इन दोनों परीक्षाओं में सिलेबस इत्यादि की चर्चा अगर न करें, क्या कॉमन है क्या कॉमन नहीं है, तो एक बात यहाँ पर फिर भी तय है कि यहाँ के प्रश्नों का स्तर काफ़ी अलग होता है। निश्चित रूप से इसकी जटिलता में ही इसकी सरलता होती है, मगर वो जटिलता आती कैसे है कि वो बेसिक चीज़ों को ही इस तरह से ट्विस्ट कर देते हैं कि क्वेश्चन की डेप्थ अपने आप में समझ में आती है। तो ओवरऑल एक लाइन में समझाना चाहूँ, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्चुअली आपको पूरी तरीके से स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक से ही आप धीरे धीरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल में जा सकते हो, तो वो करना ही करना है। उसके लिए आपको अपनी जानकारी को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, और उसकी शुरुआत के लिए हम आपसे साथ एक टॉपिक लेकर के आए हैं, न्यूक्लिक एसिड पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये है क्या चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधे विषय पर आते हैं, न्यूक्लिक एसिड, जो कि बॉटनी सेक्शन के बायोकेमिस्ट्री से लिया गया है, और इस पर हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज दिस न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल, ये जो न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल है, इसका सीधा सरल तात्पर्य है कि आप सीधे सीधे किसी की बात नहीं कर रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं डीएनए के बारे में कोई बात, और आप कहना चाह रहे हैं आरएनए के बारे में कोई बात। यही दो मूल रूप से यही बातें हैं। दोनों में समानताएं और अंतर बिल्कुल है, लेकिन समानताएं इस स्तर पर है कि दोनों को ही न्यूक्लिक अम्ल की कैटेगरी में रखा गया है। क्या अंतर है वो भी देखते हैं, लेकिन पहले जाने कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो न्यूक्लिक अम्ल का साधारण मतलब है कि डीएनए एवं आरएनए को आप न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, डन। दूसरी बात, अब हम अगर बात करें इस डीएनए के और आरएनए के संदर्भ में, छोड़ करके हम बात करें कि न्यूक्लिक एसिड एग्जैक्टली क्या है, तो ये कहलाते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है। ये पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है, न्यूक्लिक अम्ल का मतलब पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। बस शुरुआत हो गई टेक्निकल टर्म की। पॉली मतलब ढेर सारे, पॉली मीन्स मेनी। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, ठीक है, ये एक बात। तो पॉली और न्यूक्लियोटाइड, ये दो चीजें हैं, चलिए इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले थोड़ी सी एक चर्चा ये कर लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड पाया कहाँ जाता है। तो नाम पर मत जाइएगा कि न्यूक्लिक है तो न्यूक्लियस में होगा, नहीं, न्यूक्लिक एसिड नाम है इसका एग्जैक्टली, बट ये न्यूक्लियस के बाहर भी पाया जाता है। आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलीज की कैटेगरी में आते हैं। तो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलीज क्यों है, क्योंकि इनके पास अपना डीएनए अपना आरएनए होता है, ठीक है। जब चाहें ये अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से न्यूक्लिक एसिड केवल न्यूक्लियस में नहीं, न्यूक्लियस के बाहर भी पाया जाता है। और थोड़ी सी बात आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्रोटीन की सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो साइटोप्लाज्म में ही होती है, ठीक है। तो इसका मतलब कि साइटोप्लाज्म में भी न्यूक्लिक एसिड होंगे, ठीक। अब वो किस रूप में होंगे, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए या फिर डीएनए के रूप में कहां पर होंगे, ये सारी बातें अलग हैं, मगर एक चीज तय है कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के बाहर भी पाया जाता है, पहली बात, ठीक है। तो नॉट ओनली इन न्यूक्लियस,
बट ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। एक बात, इस चीज को डिस्कवर किसने किया, खोजा किसने, तो डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशर, जनरली। अब ये खोजा किसने में, तो पस सेल्स में खोजा था, ठीक है। और नाम इन्होंने डीएनए या न्यूक्लिक एसिड या आरएनए नहीं दिया, इन्होंने इसको कहा न्यूक्लीन, ही कॉल्ड देम न्यूक्लीन, तो इन्होंने इसका नाम रखा न्यूक्लीन, ठीक है। इस तरह से इन्होंने इसका नाम दिया। तो ये तो रही जनरल बात कि न्यूक्लिक एसिड है क्या, खोजा कहाँ गया, किसने इसके बारे में पहले बताया इत्यादि। अब जरा सा देख लेते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड जो बना, ये आखिर पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन क्यों कहलाया, तो चलिए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की, ये है न्यूक्लिक एसिड, तो इस न्यूक्लिक एसिड के साथ जो चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले है नाइट्रोजीनस बेस, दूसरा है पेंटोज शुगर यानी पंच कार्बन शर्करा, पेंटोज शुगर, और फिर तीसरी चीज है फॉस्फोरिक एसिड। अब देखो यही है, इसी वजह से अल्टीमेटली सब एसिड हो जा रहे हैं, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड या H3PO4, है ना, ये हो गया। अब समझिएगा, ये न्यूक्लिक एसिड है, इसमें तीन चीजें मिलकर के बनी है, और न्यूक्लिक एसिड को क्या कहा, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, यानी कि अगर हम ढेर सारे की जगह सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो एक न्यूक्लियोटाइड में ये तीनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। और उसके पहले भी कुछ चीजें और हैं, यहां देख लीजिए, अगर हम इसको नाइट्रोजिनस बेस कहते हैं, ये और ये पेंटोज शुगर और ये फॉस्फोरिक एसिड, अब इन दोनों में अगर हम इन्हें सिर्फ इस तरह से देखें, इन दोनों को मिला दें, नाइट्रोजिनस और पेंटोज शुगर, तो नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, यानी कि ये कहलाते हैं न्यूक्लियोसाइड। देखिए बिल्कुल यहाँ पर संभल जाइए, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न की जगह है, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर न्यूक्लियोसाइड, और इसी न्यूक्लियोसाइड के साथ जब आपने फास्फोरिक एसिड को जोड़ दिया, यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड, गॉट इट। न्यूक्लियोसाइड एक चीज, दूसरी चीज न्यूक्लियोटाइड, दोनों को समझिएगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसे कई सारे चेन एक साथ जुड़ जाएंगे तो वो पॉली न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे, इसीलिए इसका नाम पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन था, न्यूक्लिक एसिड। ऐसे बहुत सारे चेन इसमें मिले हुए रहेंगे, डीएनए के स्ट्रक्चर के द्वारा इसको समझने का प्रयास भी कर सकते हैं, बट अभी कई सारी बातें इसके बारे में बाकी हैं, वो हम लोग देख लेते हैं फिर बात करेंगे। तो एक तो ये हो गया, हम नाइट्रोजिनस बेस को NB लिख ले, पेंटोज शुगर को PS लिख लेते हैं, और फास्फोरिक एसिड को PA लिख लेते हैं, कहीं पे भी अगर ज़रूरत पड़े तो, ताकि जल्दी से इसको लिखा जा सके, ठीक है। अब आइए अगले बात समझने का प्रयास करते हैं, नाइट्रोजिनस बेस कितने तरह के, तो देखें तो ये दो तरह के हैं, एक पाइरिमिडीन और एक प्यूरीन, नाम दोनों के छोटे और बड़े लग रहे हैं, उसी से अंदाज़ा कुछ आप लगा सकते हैं। एक तो है पाइरिमिडीन और एक है प्यूरीन, दो नाम हुए। अब हमेशा याद रखिए, एक चीज़ चलती आई है कि नाम बड़े
और दर्शन थोड़े। यहाँ पे जिसका नाम बड़ा है उसका स्ट्रक्चर छोटा हो जाएगा और जिसका नाम छोटा है उसका स्ट्रक्चर बड़ा होगा। पहले तो ये याद रख लें, ठीक है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, अगर ये देखें तो ये आपके पास साइटोसिन, थायामिन, यूरेसिल, ये आपको दिख रहे हैं पाइरिमिडीन्स, ठीक है। ये पाइरिमिडीन है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना होगा कि पाइरिमिडीन रिंग जो होते हैं वो ये हैं, बेसिक रिंग एक पाइरिमिडीन का है और ये इतना ही बड़ा है। लेकिन देखिए साइटोसिन, थायामिन और यूरेसिल जरा सा अंतर है, बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉमन है, उस पर चर्चा कर रहा हूँ दो मिनट में। बस पहले एक चीज़ देख लीजिए कि प्यूरीन का नाम छोटा है लेकिन इसमें देखिए पाइरिमिडीन रिंग के साथ ये एक और रिंग फ्यूज है, इमिडाजोल, पाइरिमिडीन प्लस इमिडाजोल, बस ये दो चीज़ें मिल गई तो ये आपका प्यूरीन बन गया। तो यहाँ पर वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और यहाँ देखने का प्रयास करते हैं कि आपके पास ये जो प्यूरीन और पाइरिमिडीन के किस्से हैं इसमें क्या चीज़ें और कैसे मैनेज होती हैं, ठीक है। तो पाइरिमिडीन का मतलब, प्यूरीन का मतलब पहले यहाँ कर ले, पाइरिमिडीन रिंग के साथ, पाइरिमिडीन रिंग के साथ एक इमिडाजोल रिंग फ्यूज होती है, इमिडाजोल रिंग इसमें फ्यूज हो जाती है और ये एक कॉमन यहाँ पर पाइरिमिडीन रिंग होती है, पाइरिमिडीन रिंग यहाँ पर कॉमनली एक पाई जाती है, पाइरिमिडीन रिंग, ठीक है। अब पाइरिमिडीन कितने तरह के हैं और प्यूरीन कितने तरह के हैं, ये दोनों चीज़ें आपको देखनी है यहाँ पर। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन आर देयर, वो चीज़ देखने का प्रयास अगर करें तो यहाँ सबसे पहले आपके पास पाइरिमिडीन तीन तरह के हैं, थायामिन, साइटोसिन और यूरेसिल। और इधर प्यूरीन के नाम पर एडिनिन और गुआनिन, ये दो नाम आते हैं। तो एडिनिन, गुआनिन, थायामिन, साइटोसिन और यूरेसिल, इतनी सारी चीज़ों से मिल करके ये आपका जो है नाइट्रोजिनस बेस तैयार होता है। अब इस नाइट्रोजिनस बेस के बारे में अगर आगे की चीज़ समझने का प्रयास करें तो इनके बीच में बाद में बॉन्डिंग दिखती है, जब डीएनए के मॉलिक्यूल की बात करते हैं वहाँ पर हम शर्गैफ लॉ से उनको जोड़ते हैं, एडिनिन के साथ थायामिन, गुआनिन के साथ साइटोसिन के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, ठीक है। अब वो चीज़ें भी हमें देखनी है एक एक करके, लेकिन उससे पहले जरा सा देखें कि ये नाइट्रोजिनस बेस में जो पाइरिमिडीन रिंग होती है वो किस तरह से होती है और उसमें कॉमन बात क्या होती है। तो पहले तो इधर पाइरिमिडीन रिंग देख लेते हैं, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की बेंजीन रिंग की तरह। अब इसमें दो नाइट्रोजन होंगे, दो नाइट्रोजन इसमें लेने हैं, एक नाइट्रोजन आप यहाँ ले सकते हैं, और एक यहाँ पर। ये आवश्यक नहीं है कि आप नाइट्रोजन यही दो जगह लें, ये नंबरिंग अगर करें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पोजीशन होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन को रखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसी जगह पर नाइट्रोजन को रखें, आप जहाँ भी रखेंगे नाइट्रोजन की पोजीशन अल्टरनेट होगी, देयर विल बी अल्टरनेट पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन हमेशा अल्टरनेट होगा, पहले तीसरे की बजाय जो है वो तीसरे पांचवें पर भी हो सकता है और पांचवें और पहले पर भी हो सकता है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल एटम। इस कार्य में एक और चीज़ रहेगी कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड की ज़रूरत है तो वो लगा लीजिए, ये तो ये आपका हो गया कॉमन पाइरिमिडीन रिंग, जो रिंग की बात है। अब इसके साथ क्या लगा है, किसकी वजह से डिफरेंट है, वो बाद की बात है। यहाँ का जो मूल प्रश्न आपके लिए है कि पाइरिमिडीन रिंग में कितने नाइट्रोजन हैं, तो ये एक सवाल आपके लिए बनता है। दो नाइट्रोजन आपको यहाँ दिखते हैं और कैसे दिखते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन मॉडिफाई होता है, ठीक है, और अगर उसको उस तरह से बना करके पूछा जाएगा तो डेप्थ
कहिए चाहे इसे सुपरफिशियल कहिए, अब बेसिक चीज़ है, मालूम होना चाहिए कि इसमें कितने नाइट्रोजन है। अब जब प्यूरीन की बात आएगी तो इसी पायरिमिडीन रिंग के साथ इस प्यूरीन की जब चर्चा करेंगे तो ये एक आपका फिर से पायरिमिडीन रिंग एक बना रहा हूँ यहाँ पर, और इस पायरिमिडीन रिंग के साथ यहाँ पर सपोज करिए कि नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन यहाँ पर है, एक नाइट्रोजन यहाँ पर है, और आपने उसी तरीके से डबल बॉन्ड्स बना रखे हैं जो बनने चाहिए, ठीक है। अब हो गया, अब इसी के साथ एक इमिडाजोल रिंग को फ्यूज़ कर देना है यहाँ से, ठीक है। तो जब ये इमिडाजोल रिंग यहाँ पर हम फ्यूज़ करते हैं तो हमें इसका स्ट्रक्चर क्लियरली समझ में आ जाता है, एक ये यहाँ, फिर यहाँ और ये यहाँ। अब इसमें दो नाइट्रोजन और जुड़ जाएंगे, ये जो दो नाइट्रोजन यहाँ पर जुड़ रहे हैं वो उनकी पोजीशन भी कुछ इसी तरह से होगी, तो नाइट्रोजन को भी देख लीजिए यहाँ पर रहेगा इस तरीके से, एक नाइट्रोजन यहाँ और एक नाइट्रोजन यहाँ। अब चूंकि आपको पता है कि जितने पॉइंट्स होते हैं वो कार्बन होते हैं, जहाँ पर भी कार्बन होगा तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कार्बन के आसपास चार बॉन्ड टोटल होते हैं, चार भुजाएं इसकी टोटल बनती है। तो यहाँ पर जो बचा डबल बॉन्ड का मामला कहीं पे गड़बड़ाता हुआ नजर आए तो उसे भी आप ठीक कर लें, एटलीस्ट यहाँ पे एक डबल बॉन्ड। तो अब अगला प्रश्न एक छोटा सा देख लीजिए कि यहाँ कितने नाइट्रोजन हैं प्यूरीन में, तो पता चला 4 नाइट्रोजन में एटम नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को आपको देख करके समझना होगा। वापस आ जाइए, थोड़ा सा इन तीनों के, चारों के स्ट्रक्चर को एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये प्यूरीन है, इधर आइए पायरिमिडीन पे, पहले देखिए ये यहाँ पर नाइट्रोजन इन्होंने जोड़ दिया है, तो ये आपका साइटोसिन है जो आपको दिख रहा है, साइटोसिन। यहाँ पर थायामीन है और यहाँ यूरेसिल है। जरा यूरेसिल और थायामीन को जरा ध्यान से देखिए, साइटोसिन है, इसमें भी दो नाइट्रोजन आपको दिख रहे हैं, डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। यहाँ पर भी आपको थायामीन में भी दो नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन अलग से आ गया तो अलग बात हो गई, बट बेसिक स्केलेटन यही था, चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ गया तो एक बॉन्ड ये कम करना पड़ गया। उसी तरीके से यहाँ पर यूरेसिल में आ गए आप, तो यहाँ भी वही स्थिति है लगभग। तो थायामीन और यूरेसिल काफ़ी क्लोज है, आप ध्यान से देखिए अगर, तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जो अलग से होता है वो यहाँ नहीं है, बाकी लगभग ये थायामीन यहाँ पर बिल्कुल यूरेसिल के जैसा है। जरा ध्यान से समझिए कि इस थायामीन का दूसरा नाम क्या हो सकता है, इस थायामीन का दूसरा नाम क्या हो सकता है, जल्दी से गेस करने का प्रयास करिए। अंतर मैंने समझाया आपको कि यूरेसिल और थायामीन में आपको एक बेसिक अंतर दिख रहा है कि यहां पर जो है केवल और केवल मिथाइल ग्रुप का अंतर है। तो अगर नंबरिंग करना चाहें तो यहां से मान लो 1, 2, 3, 4 और 5 है ना, और इसमें भी वही हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। हमने पीछे भी यही कहा था आपसे कि नंबरिंग हम कहीं से ले सकते हैं, वो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास से ही जनरली हमने पिछली बार भी जोड़ा था। इस डायग्राम में भी देखिए, यहाँ पर हमने नाइट्रोजन के पास से ही 1, 2, 3, 4, 5, 6 किया है, तो इधर नाइट्रोजन है तो हम इधर से करेंगे। दूसरा नाम क्या हो सकता है, पांचवें पोजीशन पे मिथाइल है तो 5 मिथाइल, और यूरेसिल तो है ही है, इसको हटा दो तो पूरा यूरेसिल है, तो 5 मिथाइल यूरेसिल इसका एक दूसरा नाम यहाँ पर साबित होता है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है। इनकी बहुत अधिक समानता है थायामीन और यूरेसिल की, इतनी अधिक समानता है कि आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से ये बिल्कुल एक जैसे ही हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ये जगह पांचवें नंबर पे डिफरेंट है, जहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए थायामीन का दूसरा नाम 5 मिथाइल यूरेसिल, ठीक है। केवल, और इससे ये भी याद रख सकते हैं कि यूरेसिल और थायामीन के बीच में इतना ही अंतर है। और एक बात याद करनी है, यूरेसिल जो होता है वो ओनली इन आरएनए, ये केवल आरएनए में पाया जाएगा, डीएनए में नहीं पाया जाएगा, और थायामीन, थायामीन ओनली इन डीएनए, नॉट इन आरएनए, ठीक है, ओनली इन डीएनए, केवल और केवल डीएनए में पाया जाएगा, आरएनए में नहीं पाया जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ऐसी चीज़ें देखने में सरल और सामान्य लगती हैं, लेकिन जब प्रश्न आता है तो कन्फ्यूज़न की नगरी आपके नज़दीक आके घंटी बजा देती है दिमाग पर, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ होने से बचना है तो कॉन्सेप्चुअली बेसिकली स्ट्रांग रहने का प्रयास करना पड़ेगा, ये आवश्यक है।
और बिल्कुल करना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है यहाँ पर कि, और ये साइटोसिन तो अलग है ही, अब इन्हीं रिंग्स में से किसी के साथ आपका अगला जो है जुड़ता है इमिडाजोल रिंग, ये देखिए है ना, NH2 ग्रुप यहाँ पर है, बाकी इसके साथ इमिडाजोल रिंग आपको दिख रहा है, दो नाइट्रोजन एक्स्ट्रा है यहाँ पर, ये और ये, इधर भी ये और ये। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लगभग सारी बातें स्पष्ट हो जाएं कि दो नाइट्रोजन चार कार्बन, देखिए यहाँ पर दिखा भी है, दो नाइट्रोजन और चार कार्बन इधर के, और इमिडाजोल रिंग की तरफ से भी दो नाइट्रोजन और तीन कार्बन। ये महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, टोटल कितने कार्बन और कितने नाइट्रोजन, ये तो जनरली आपको पता है कि बेंजीन रिंग टाइप का आपने बनाया था तो जाहिर सी बात है छः, और यहाँ पर इमिडाजोल जो बनाया आपने यहाँ पर देखें तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स जुड़ गए आपस में, तो कहने का मतलब तीन कार्बन, एक तीसरा कार्बन यहाँ पर है, ठीक है, दो नाइट्रोजन और तीन कार्बन, एक दो तीन, इस तरह से ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के प्यूरीन और पायरिमिडीन दोनों की बातें स्पष्ट हो गई, यहाँ कोई अंतर नहीं है, ये एडिनिन और गुआनिन दोनों ही दोनों में पाए जाएंगे, डीएनए में भी और आरएनए में भी, लेकिन पीछे जो आपने देखा पायरिमिडीन के केस में ये यूरेसिल और थायामीन का जो अंतर रहा वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि थायामीन हमेशा डीएनए में और यूरेसिल आरएनए में, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ गई होंगी, अब आगे बढ़ते हैं और इसको जानने का प्रयास करते हैं कि नाइट्रोजिनस बेस हमें पता चल गया, अब हम देखते हैं पेंटोज शुगर के बारे में जरा सा, क्या है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर का मतलब पांच कार्बन वाले शुगर मॉलिक्यूल, पेंटोज माने पांच, पेंटोज शुगर यानी फाइव कार्बन कंटेनिंग शुगर मॉलिक्यूल को ही हम पेंटोज शुगर कहते हैं, तो पांच कार्बन वाले शुगर मॉलिक्यूल, चलिए इसको देख लेते हैं। तो पांच कार्बन वाले शुगर मॉलिक्यूल हैं तो ये या तो राइबोज शुगर होंगे या डी ऑक्सी राइबोज शुगर होंगे, ठीक है, तो इनके दो नाम, पेंटोज शुगर की दो कैटेगरी, एक राइबोज शुगर और दूसरा डी ऑक्सी राइबोज शुगर। पांच कार्बन वाले शुगर मॉलिक्यूल, दोनों ही शुगर में पांच पांच कार्बन एटम होंगे, अब एक में जो है अगर आप देखेंगे तो पांच कार्बन वाले ये जो शुगर मॉलिक्यूल हैं ये डी माने डिक्रीज, ऑक्सी माने ऑक्सीजन, सिंपल, एक ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो डी ऑक्सी राइबोज शुगर हो जाएगा, ठीक है, और बाकी नॉर्मली देखिए ये है पांच कार्बन वाले शुगर मॉलिक्यूल, यहाँ पर ये बीच में ऑक्सीजन, अब इधर आइए तो H ओ एच एच ओ एच, आप अपनी सहूलियत से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एच ओ एच और यहाँ पर H और यहाँ पर सी एच टू ओ एच, ये हो गए, अब इनकी नंबरिंग कर दीजिए, तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 एंड ये 5, पांच कार्बन हो गए, तो पांच कार्बन वाले शुगर मॉलिक्यूल, यहाँ पे दिक्कत कहाँ आनी है, ये कार्बन नंबर दो पर, ये इस जगह क्या होना है, देखिए जो परिवर्तन होगा वो पांच कार्बन वाला शुगर मॉलिक्यूल अगर हम यहाँ बना दें, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H और ये भी अब आपका H ही रह गया, और ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर बाकी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेंगी, ठीक है, अब यहाँ पे H और ये CH2OH, अब आप देखिए इसको ध्यान से, तो यहाँ पे नंबरिंग करके चेक करिए तो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन, चलिए ये तो हो गया आपका, अब जरा सा यहाँ पे अगर देखें इस पोजीशन पे तो देखिए जरा क्या अंतर आया, एक ऑक्सीजन यहाँ से गायब है, इसीलिए डी माने डिक्रीज, ऑक्सी माने ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन कम हो गया। अब एक और बात यहाँ पे लगे हाथ याद कर लीजिए कि अगर जब आप डीएनए का मॉलिक्यूल कहीं से बनाते हो तो आप लिखते हो ये 3' या 3' यहाँ लिखते हो 5' या 5', ठीक है, तो 5' या 5', जो भी आप प्रोनंसिएट करते हो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इधर से आइए
डबल स्ट्रैंड है, तो दूसरे वाले में यहाँ पे थ्री प्राइम या थ्री एंड, और यहाँ पे फाइव प्राइम या फाइव एंड। ये फाइव एंड और थ्री एंड या फाइव प्राइम या थ्री प्राइम है क्या? ये एग्जैक्टली ये कार्बन के पोजीशंस है, ये वाला, ठीक है, ये जो कार्बन की पोजीशन है, पांचवा कार्बन और एक ये तीसरा कार्बन यहाँ पर, ये ठीक है, ये तीसरा कार्बन है और ये पांचवा कार्बन। मतलब ये है कि जो आप डीएनए का मॉलिक्यूल देख रहे हो उसके एक एंड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल का तीसरा कार्बन दिख रहा है तो वो थ्री प्राइम कहला रहा है, और दूसरे एंड पर दूसरी तरफ वहाँ पे फाइव प्राइम होने का मतलब कि वहाँ पे उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, सॉरी ग्लूकोज पांच कार्बन वाले शुगर मॉलिक्यूल है, तो राइबोज शुगर मॉलिक्यूल का वहाँ पर जो है पांचवा कार्बन दिख रहा है। तो फाइव एंड का मतलब फिफ्थ कार्बन ऑफ दिस शुगर मॉलिक्यूल, पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल। थ्री प्राइम का मतलब थर्ड कार्बन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल इज विजिबल और सीन एट दैट एंड, उस एंड पर उसका वो वाला कार्बन दिख रहा है इस पेंटोज शुगर का, इसीलिए वहां पे आपने थ्री प्राइम या फाइव प्राइम, थ्री एंड या फाइव एंड का नाम रखा है। अब आपने दोनों चीजें जान ली, आपने जान लिया कि पेंटोज शुगर क्या होते हैं और आपने जान लिया कि नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं। तो अब आपको एक जानकारी यहां तक हो चुकी है, तो अब आपको पता लग गया कि नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, इसका मतलब ये आपने बना लिया न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। और जैसे ही आपने ये न्यूक्लियोसाइड बनाया, अब इसके एग्जाम्पल की बारी, ठीक है, एग्जाम्पल इसके करने होंगे। तो नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन से थे आपके पास? एडिनिन, गुआनिन, थायामिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक। और पेंटोज शुगर कौन कौन से हैं? तो पेंटोज शुगर आपके पास है राइबोज शुगर, आरएस लिख रहा हूं राइबोज शुगर, और दूसरा है आपके पास डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब आप देखिए कि ये हर एक नाइट्रोजिनस बेस के साथ, लगभग हर एक नाइट्रोजिनस बेस के पास ये संभावना है कि वो दो तरह के न्यूक्लियोसाइड बना ले, दो तरह के न्यूक्लियोसाइड बना ले। कौन कौन से दो तरह के न्यूक्लियोसाइड बना सकता है? जैसे देखिए, तो यहाँ पे देखें कि ये एडेनिन है, एडेनिन अगर राइबोज शुगर के साथ जुड़ता है तो क्या बनाएगा? एडिनोसिन, एडिनोसिन। लेकिन यही एडिनिन अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ जुड़ गया तो ये क्या बना लेगा? डीऑक्सीएडिनोसिन, डीऑक्सीएडिनोसिन। अब दूसरी तरफ देखिए, इसी तरह से गुआनिन के बारे में, तो ये गुआनिन अगर, अब ये दो हो गए हैं, अब ये गुआनिन अगर राइबोज शुगर के साथ जुड़ता है तो बनाता है गुआनोसिन, गुआनोसिन, ठीक है। अब यही गुआनिन अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ जुड़ता है तो ये हो गया डीऑक्सीगुआनोसिन, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से आ जाइए थायामीन के बारे में जरा बात कर लेते हैं। थायामीन किसके साथ जुड़ गया? राइबोज शुगर के साथ जोड़ दे तो क्या बनाएगा? जरा सोच के देखिएगा। और अगर थायामीन डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ जोड़ दें तो क्या बनाएगा? अब जरा सोचिए, अटक गई सुई। तो ध्यान दीजिए, थायामीन कहाँ पाया जाएगा? तो थायामीन जो है सिर्फ और सिर्फ डीएनए में पाया जाएगा। और एक बात पीछे की रह गई थोड़ी सी, डीऑक्सीराइबोज शुगर ओनली इन डीएनए, और जो राइबोज शुगर है ओनली इन आर एन ए, ओनली इन आर एन ए। तो ये दो चीजें तो हमें लगता है स्पष्ट रहे आपको, ठीक है। तो अब इसका मतलब थायामीन हमेशा डीएनए में ही पाया जाएगा, तो राइबोज शुगर के साथ इसके किसी कॉम्बिनेशन की गुंजाइश नहीं कर सकते। डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ जुड़ेगा, राइबोज के साथ नहीं, क्योंकि थायामीन तो पाया ही नहीं जाएगा, वहां पर यूरेसिल पाया जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि जैसे ही थायामीन या यूरेसिल का नाम आए
तो न्यूक्लियोसाइड का नाम रखते समय थोड़ा सावधान हो जाइएगा, फंसने वाली एक जगह ये भी मिल गई आपको, यहाँ भी आप फंस सकते हैं क्वेश्चन के रूप में, तो ध्यान दीजिएगा। तो थायामीन प्लस डी ऑक्सीराइबोस शुगर, तो डी ऑक्सीथाइमिडीन, डी ऑक्सीथाइमिडीन ये नाम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब इसी तरीके से जब आप साइटोसिन के साथ बात करेंगे, पहले यूरेसिल का ही कर लीजिए, यूरेसिल के साथ बात करें केवल राइबोस शुगर के साथ जुड़ेगा ये यूरेसिल, यूरेसिल केवल राइबोस शुगर के साथ जुड़ेगा और ये बनाएगा यूरिडीन, ठीक है ये। और फिर साइटोसिन के साथ दोनों बातें हो जाएंगी, साइटिडीन और डीऑक्सीसाइटिडीन ये दोनों बना देगा, ये जो है इस पे डबल लाइन कर देते हैं ताकि अलग दिखे, ये साइटिडीन और डीऑक्सीसाइटिडीन ये दोनों ही बना लेंगे, ठीक है। ये तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है कि न्यूक्लियोसाइड का मतलब नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, और जैसे ही बताना शुरू किया कि अच्छा चलो एग्जांपल बता दो एक ठो दो ठो तीन ठो, तो फिर वहाँ पे तुरंत फिर समस्या स्टार्ट हो जाती है, प्रॉब्लम कि भाई ये कहाँ से आया। अरे भाई आसान है, नाइट्रोजिनस बेस को जोड़ते जाइए और बनाते जाइए। जरा सा देख लीजिए कितने तरह के न्यूक्लियोसाइड आप बना सकते हैं, ये एक क्वेश्चन फिर आपके लिए डेप्थ से बन के आ गया कि कितने तरह के न्यूक्लियोसाइड बन सकते हैं। जरा काउंट करिए, 1 2 3 4 इधर ये तो बनेगा नहीं, तो ये 5 6 और इधर 7 8, लगभग 8 तरह के, क्योंकि दो जगह से ये तो कैंसिल हो गए, ठीक है। टोटल तो 10 है, ऐसे ही जोड़ लो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टोटल 10 नाइट्रोजिनस बेस इस तरह से कंडीशन बनाएंगे दोनों के साथ मिल मिल करके, भाई 3 2 5, एक बार राइबोज एक बार डी ऑक्सीराइबोज करोगे तो टोटल 5 2 10 हो गए। लेकिन उसमें से भी फिर सोच के जरा देखो कि उस 10 में से 2 तो कम हो जाएंगे ना, क्योंकि एक ऐसा है जो केवल राइबोज शुगर के साथ होगा और एक ऐसा है जो केवल डी ऑक्सीराइबोज शुगर के साथ होगा, तो बस इस चीज़ को ध्यान रखें। तो टोटल कितने बनेंगे, 8। ये एक और क्वेश्चन ऐसा बन सकता है आपके लिए जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, पढ़ना है सिलेबस जो आपको पता है वही सिलेबस है, कोई अलग बात नहीं है, बस थोड़ी सी गहराइयों पर अगर ध्यान देना चाहेंगे तो उसमें आपकी बस गहराई का मतलब आपका बेसिक कितना ठीक है, ठीक है। बहुत साधारण बातें हैं लेकिन प्रश्न बन गए तो आपके लिए उलझने के रास्ते बन गए, ठीक है। अब इसको बाकायदे हम डीएनए के स्ट्रक्चर में एक एक बॉन्ड किस तरह से बनता है और क्या क्या होता है वो सब देख सकते हैं, बट अभी पहले हम जो कर रहे हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद चलिए। तो अब आपने न्यूक्लियोसाइड बनाना सीख लिया, तो ये आपका एक चीज़ तो ख़त्म हुआ। अब आइए देखते हैं न्यूक्लियोटाइड, तो आपके पास एक बार फिर से नाइट्रोजिनस बेस होगा प्लस पेंटोज शुगर होगा और प्लस फॉस्फोरिक एसिड, तो H3PO4 लिख दूँ या PA लिख दूँ सिर्फ शॉर्ट में, बात एक ही है। ये मिल गए तो इन्होंने बना दिया आपके लिए न्यूक्लियोटाइड, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब इसमें भी लगभग 8 टाइप के न्यूक्लियोटाइड आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक दो देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या होगा न्यूक्लियोटाइड का, तो एडिनिन प्लस राइबोज शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड H3PO4, क्या हो गया, पीछे आपने क्या बनाया था, एडिनोसिन बस, लेकिन एसिड जुड़ गया ना, तो इसका नाम हो जाएगा एडिनाइलिक एसिड, क्या नाम हो जाएगा, एडिनाइलिक एसिड, ये हो गया। उसी तरीके से अगर इस एडिनिन के साथ अब की बार आप डीऑक्सीराइबोज शुगर ले लेते हैं तो फिर फास्फोरिक एसिड के साथ जोड़ते हैं, तो इस कंडीशन में अब ये आपका हो जाता है डी ऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि गुआनिन के केस में भी दो बार जुड़ेगा, ठीक है, थायामीन के साथ एक बार, साइटोसिन के साथ दो बार जोड़ होगा और यूरेसिल के साथ फिर एक बार,
कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अगर आप इसको पूरा जोड़ करके बनाना शुरू करेंगे तो आपके पास यहाँ पर दो परिणाम जो निकल करके आएंगे वो कौन कौन से निकल के आएंगे, वो हो जाएगा गुआनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड और डीऑक्सीगुआनाइलिक एसिड, डीऑक्सीगुआनाइलिक एसिड। ठीक है भाई, कुछ करना थोड़ी है, अगर आपको कोई डाउट बन रहा है तो लिख देता हूँ फिर से। गुआनिन प्लस राइबोस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड की जगह पीए लिख दे रहा हूँ। इसी तरीके से गुआनिन प्लस डीऑक्सी राइबोस शुगर और फिर फॉस्फोरिक एसिड, तो उसमें ये बन गया इधर और ये बन गया इधर, दो चीज़ें बन गई। राइबोस शुगर है तो सिंपली गुआनाइलिक और डीऑक्सी राइबोस शुगर है तो डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आपके पास थायामीन के साथ क्या होगा, तो आपको पता है फिर से कि ये डीऑक्सी राइबोस शुगर डीएनए के साथ केवल पाया जाएगा, तो इसलिए ये सिंपली ये जो बनेगा थायामीन प्लस डीऑक्सी राइबोस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड और ये मिलकर के क्या बनाएंगे, डीऑक्सी थाइमाडाइलिक एसिड, थाइमाडाइलिक एसिड। इस तरीके से ये चीज़ें बन जाती हैं। ऐसे ही यहाँ पर डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड, ठीक है, और सिंपली साइटिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड सिंपली बनेगा क्योंकि इसमें केवल और केवल राइबोस शुगर होगा। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर में। अब आपने ये न्यूक्लियोटाइड के भी 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, 6, 7 और 8, ये टोटल 8 एग्जांपल्स यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड तीनों के आपने देखे। ठीक है, अब इस न्यूक्लिक एसिड में आपके दोनों ही चीज़ें आ सकती हैं, डीएनए भी आ सकता है, आरएनए भी आ सकता है। अब जब डीएनए के मॉलिक्यूल होंगे तो दो स्ट्रैंड होंगे, दो स्ट्रैंड, लेकिन जब आरएनए के मॉलिक्यूल होंगे तो उसमें कोई एक स्ट्रैंड होगा। अब यहाँ पर डीएनए और आरएनए में एक चीज़ और ऐड हो जाती है कि जैसे ही डीएनए के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वहाँ पर बॉन्ड्स बनने लगते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में अलग से, ताकि वो दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ जाएं। तो एडिनिन और थायामीन के बीच में डबल बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, इस तरह से जुड़ गए। और फिर वो जो बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड था, तो हाइड्रोजन बॉन्ड था। ठीक, ऐसे ही इस फास्फोइस्टर बॉन्ड या फास्फोडाईस्टर बॉन्ड भी बनेंगे इसमें, तो अलग अलग तरह के बॉन्ड भी बनते हैं जिसे हम डीएनए के स्ट्रक्चर के साथ मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। आज के दिन में मेरा इतना ही लक्ष्य था आपके साथ बात करने का कि आप न्यूक्लिक एसिड को थोड़े बेहतर तरीके से जान पाएँ। ठीक है, इसके बेसिक चीज़ को आपने जानने का प्रयास किया। अब इस न्यूक्लिक एसिड के दो उदाहरण हैं ये डीएनए और आरएनए, तो ये एक अलग से पढ़ने का विषय हो सकता है, उसके ऊपर हम फिर चर्चा करेंगे, फिर किसी क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।